सब कुछ बेकार लगने लगता है। जब आपके दिल पर कोई तकलीफ हो, जब आपके अपने अंदर कोई तकलीफ हो, तो ये सबसे बड़ी पीड़ा है। दिल का दर्द कोई ना जाने, ये छुपाए नहीं छुपता, ये दबाए नहीं दबता। ये ऐसी पीड़ा और ये ऐसा कष्ट है जो आपके अपने जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से हाजिर हूं, फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक नया तथ्य और एक नई जानकारी, जिससे तुम्हारे रिलेशनशिप में अगर कोई तकलीफ है तो वो समाप्त हो जाए। आपके अपने जीवन में जब ये प्रॉब्लम है, जब ये समस्या है, तो आप समझिएगा कि आप अपने आप में नहीं है। आप समझिएगा कि आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से चिंतन तक नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, सब कुछ बेकार लगने लगता है। जब आपके दिल पर कोई तकलीफ हो, जब आपके अपने अंदर कोई तकलीफ हो, तो ये सबसे बड़ी पीड़ा है। दिल का दर्द कोई ना जाने, ये छुपाए नहीं छुपता, ये दबाए नहीं दबता। ये ऐसी पीड़ा और ये ऐसा कष्ट है जो आपके अपने जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। दुनिया में जितनी भी आत्महत्याएं हो रही हैं, उसमें से बहुत बड़ा परसेंटेज इस विषय का है। ऐसा कुछ ना हो, इन सब चीजों से आप बच पाए, आपके जीवन में डिप्रेशन, अमाद, अवसाद या किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना आने पाए, इसके लिए हम नित्य आपके सामने होते हैं। हम आपसे कहते हैं एक निवेदन, मैं आपसे रोज एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं और इस निवेदन को तुम सब मान रहे हो, ये अच्छी बात है, इसलिए तुम्हें फायदा हो रहा है। रोज यकीन मानो हजारों लोगों के काम हो रहे हैं, एक दो चार पांच सात दस नहीं, हजारों लोगों के रेगुलर, रोज एवरीडे कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो कहता है साहब हमारा बहुत बड़ा काम हो गया 24 घंटे के अंदर, या कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में, कुछ टाइम में, कुछ जैसा जिसका काम हुआ उसके आधार पर। आपका भी हो सकता है, आप भी उस कतार में सम्मिलित हो सकते हैं। आवश्यकता है कि आप अपने पर ध्यान दें, क्योंकि मिलना किसको है प्यार, तुमको। रिलेशनशिप ठीक किसका होना है, तुम्हारा। जो भी कुछ प्राप्त होगा वो तुम्हें प्राप्त होगा, इसलिए बहुत आवश्यक है कि तुम ठीक हो जाओ। बीमारियां एक बार कम नहीं हो दवाई से चलेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ गई ना, तो बीमारी कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारा। इसको आप इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हो, जिसे कोरोना ने बहुत सिखाया हमें ना, कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, शुद्ध और सात्विक चीजों का इस्तेमाल करो, है ना। तो जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपके जीवन में भी है, आपकी जो रोजमर्रा की लाइफ है तो ही है, जो आपका जीवन है वहां पर भी है। जब आपको दुख से लड़ने की ताकत आ जाती है, जब आपको दुख से लड़ना कोई सिखा देता है, तो आपको दुख छोटा लगने लगता है और आप जीत जाते हैं उसमें। मैं बहुत बार कहता हूं आपको कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब मन तुम्हारा हार जाएगा तो तुम हार जाते हो, और मन जीत जाए तो तुम जीत जाते हो। तो सबसे पहला काम करना है, अगर तुम्हें रिलेशनशिप ठीक करना है, कि तुम्हें मुस्कुराने की आदत डालनी है। पानी अधिक पीना है, खूब खुश रहने की कोशिश करना है, अपने को सुंदर बनाना है। और एक बार जब तुम दुखी हो गए तो 20 दिन का उपाय खराब हो जाएगा। एक दिन रोने से, निराश होने से, हताश होने से 20 दिनों का पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, उपाय, समाधान खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हो? अगर तुम रिलेशनशिप में अपनी प्रीवियस चीजें शेयर करते हो, पैसों का आदान प्रदान करते हो, बहुत महंगे गिफ्ट्स देते हो, तो आपका उसी समय निश्चित हो जाता है कि रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसी किसी भी अव्यवस्था से आप पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, आपका कोई भी रिलेशन डगमगा गया है, तो आज
सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी से ठीक हो सकता है। एक गिलास पानी में फूंक मार दीजिए और जैसा हम कह रहे हैं उसे उपयोग करिए, आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा। आज के उपाय में, सोल्यूशन में आपको चाहिए सिर्फ एक गिलास पानी। सिर्फ एक गिलास पानी से आपका अपना पूरा का पूरा जीवन ठीक हो सकता है। आपने अभी तक इस बात को पूरी तरह से नहीं समझा था। आपकी फूंक में, आपके शक्ति में, आपकी साधना में वो बल, वो ताकत आ सकती है जिससे वो पानी बहुत ताकतवर हो जाए और आपका काम हो जाए। जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका मनोरथ है, वो सिद्ध हो जाए। अब आपको करना ये है कि ये काम आपको चंद्रमा के टाइम पर करना है, यानी सूर्यास्त के बाद। कभी भी जितना अधिक रात्रि में करेंगे उतना चंद्रमा जवान होगा, युवा होगा चंद्रमा। और ये उजाले पक्ष में करें तो चंद्रमा बड़ा होगा और मजा आएगा करने में, अंदर और बढ़िया आनंद भरेगा। अब करना यह है, किसी भी पात्र में आप पानी ले लें और उस पानी को देखते हुए जो मैं मंत्र कह रहा हूं उस मंत्र का उच्चारण कर दें। बीज मंत्र है, अद्भुत चमत्कार। बीज मंत्र मतलब पता क्या होता है? बीज मंत्र मतलब छोटा सा, छोटी सी चीज में बहुत बड़ी कोई चीज डाल दी जाए। गागर में सागर भर देना, छोटे से घड़े में पूरा सागर समा देना। गेहूं का इतना बड़ा बीज मिट्टी में डाल दो, ये बड़ा पौधा निकलता है। हाँ, इतने सारे गेहूं निकलते हैं उसमें एक में। आम का इतना छोटा सा बीज जमीन में लगा दो, गगनचुंबी पेड़ निकलता है उससे, जीवन भर आम देता है। इतनी ताकत है उस बीज में। हाँ, बीज में जितनी ताकत है उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। वही मंत्र आपको बता रहा हूं। ओम चम, ओम चम, पर बोलना वैसे ही, इसकी ध्वनि जो है, ध्वनिक तरंग है, वो वैसे ही काम करेगी, वैसे ही बात करना, ऐसा बोलकर फूंक मारना उस पानी में और फिर बहुत प्यार से उसको देखना, उसमें प्रतिबिंब देखने की कोशिश करना, छाया देखना। जब जरा नजरें झुकाई, देख ली तस्वीर यार की उधर, इधर नहीं इधर, और पी जाना। बस ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में त्वरित परिवर्तन होगा, तत्क्षण परिवर्तन होगा। इसमें देर नहीं लगती, इसमें समय नहीं लगता। ये तीसरा खंड है पानी का, बहुत ध्यान से करना। तुम पहले दो कर चुके हो, उसके मजे ले चुके हो, अब इसका भी आगे बढ़ाओ और फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। अब इस बार तो भाई ये ग्रेजुएशन का पेपर है। इस बार क्लास वन वाला तो पहले तुम निकाल चुके हो ना, तो इस पेपर में तुम नंबर अच्छे लाओगे, मुझे लगता है, क्योंकि तुमने पढ़ाई अच्छी की है। तुम बहुत दिनों से कर रहे हो, लगे रहो, कंटिन्यू करते रहो। घबराना मत, परेशान मत होना, 10 जगह मत भागना, किसी से बात मत करना, किसी और का वीडियो मत देखना। स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं, किसी और को मत देखना। साक्षात ब्रह्मा उतारा है उसको भी मत देखना। हानि लाभ जीवन मरण, जस यप यस विधि हाथ। ये परमात्मा के हाथ में, इंसान के नहीं। तो मैं डरता नहीं किसी से, मैं गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं ना, कि अच्छे लोगों जो अच्छा काम कर रहे हैं वो करें ना, कौन मना करता है। जो आडंबर प्रपंच पाखंड कर रहे हैं उनके खिलाफ मदद करो मेरी, देखना ही बंद करो, सबसे बढ़िया मदद है। देखोगे नहीं तो भाग जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम फालतू का प्रपंच न करके अपना टाइम सही जगह लगाएंगे। रोष है, कभी कभी निकल जाता है, पर संभाल के रखेंगे हम लोग अपना रोष। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपको कुशल, खूब कुशलता, खूब खुशियां, खूब आनंद, खूब वैभव, खूब संपत्ति दे और तुम्हें खूब प्यार बढ़ाए तुम्हारे जीवन में। नमः शिवाय।